गुड मॉर्निंग नए लोग, मैं आपका स्वागत है। और आज देखो मौसम अच्छा है, धूप अच्छी निकली हुई है। इस टाइम बाहर से ही मैं अपने व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहना मेरे साथ। आज फ्रेंड्स बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। ये गोभी को मैंने थोड़ा बॉयल कर लिया है। मैं गोभी को हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ, और इसमें मैंने नमक डाल दिया था। आलू भी कट कर लिए हैं मैंने। मैं कभी भी गोभी को ऐसे नहीं बनाती, और इसमें अजवाइन वगैरह भी ज़रूर डालती हूँ मैं गोभी के अंदर। इसमें मैंने अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दिया है, हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी रेड चिल्ली। ये मेरी रेड चिल्ली भी ख़त्म हो गई है, साबुत मंगवा रखी है मैंने, सुखाई थी मैंने, कल धूप निकली तो मैंने सुखा दी थी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा रेड चिल्ली भी मैंने ग्राइंड करनी है, और ये सूखा धनिया डाल दूँगी। सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं बिल्कुल ही। ये आलू डाल दूँगी, बिल्कुल सिंपल होती है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती हूँ मैं, बस लास्ट में ये जो है नमक डाल दिया, ये हरा धनिया डाल दिया है, बस बन गई है मेरी सब्ज़ी। और उसके बाद अब मैं ये साफ़ करने लग गई हूँ वॉश बेसिन लोबी में, जो है काम तो ऐसे करने ही पड़ते हैं सर्दी में, चाहे कितना भी हो। मेरा सारा काम निपट गया था किचन का। उसके बाद आज मैंने सोचा कि अच्छी धूप, देखो बाहर फ्रंट में मेरा ईस्ट वेस्ट है मेरा हाउस, तो सुबह निकलते ही सूरज आ जाता है। और मैंने सोचा चल आज तो धूप में डस्टिंग भी हो जाएगी, बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड थी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और अब मैं बाहर की डस्टिंग करने लग गई हूँ। ये सामने ये लोबी में से जब एंटर करते हैं बाहर निकलती है वाला सीढ़ियों में से, हर तरह से ही कर देती हूँ मैं ये डस्टिंग। आज मैंने सोचा आज आगे के आंगन की और पीछे के आंगन की सब ये दरवाजे खिड़कियाँ इनकी सफाई कर देती हूँ, और अंदर का बाद में करूँगी, क्योंकि इकट्ठा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डस्टिंग का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं पीछे के आंगन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। ये पीछे का आंगन है मेरा, यहाँ की विंडो वगैरह साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये जो मेरा कूलर रखा है इस पर देखो ये चूहे आ जाते हैं, इतने मोटे मोटे हमने दो पिंजरे रखे हुए हैं। और इसमें जो हमने चींटियों का ये डाला हुआ है ना, जो चींटियों के लिए, रीस के लिए, पक्षियों के लिए अनाज, इतने मोटे चूहे होते हैं, रोज़ाना ढक्कन खोल देते हैं, इसमें से रोज़ाना देखते हैं हम। ये वॉशिंग मशीन वगैरह इनको भी सब साफ़ कर देती हूँ। डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना भी आज करा दिया नहीं चलती, फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। लगे हाथ मेरे हाथ पौधों को भी पानी दे देती हूँ, इनमें बेचारों को इतनी डस्ट जम गई है। कई दिन से सर्दी की वजह से ना संभाल नहीं पा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मौसम अच्छा रहता है, ये सब काम करने लगी हूँ। पानी गिर गया था पौधों में दिया था, तो मैं जो इसको साफ़ कर देती हूँ। चलो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। बाय।